हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की जो कि हेयर रिलेटेड है। तो सबको कुछ ना कुछ हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं। ऐसी कोई भी लड़की, मतलब ऐसी एक भी लड़की है जिनको हेयर के इश्यू बिल्कुल भी नहीं आए। नहीं तो किसी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, स्पिडेंट की प्रॉब्लम आती है, नहीं तो हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। सारे जो हेयर रिलेटेड के जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये सारे जो टिप्स है उस टिप्स को मैं खुद फॉलो करती हूँ। इससे मेरे जो बाल जो गिरते थे वो काफी हद तक कम हो चुका है। सो अभी मेरे बहुत ही हेल्दी, मेरे फ्रीजी बाल है, सो काफी हद तक मेरे जो बाल है वो मैनेजेबल भी रहते हैं, हेयर ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे को अभी तो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मतलब मेरे चैनल पे मैं स्किन केयर के, हेयर केयर के, फैशन व्लॉग बहुत कुछ डालती हूँ। तो आपको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करना है, सो तभी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएंगे। इसलिए चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम सबसे पहले टिप पे, वो है आपको ऑयलिंग करना है बिफोर वॉशिंग योर हेयर। मतलब आपको हेयर वॉश करने से पहले आपके बालों को आपको अच्छे से ऑयलिंग करना है, क्योंकि ऑयलिंग करने से आपका जो हेयर को जो न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, और हम जो वॉश करने वाले हैं उस टाइम आपके बाल बिल्कुल भी वीक नहीं रहते, वो स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि हम अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हैं, तो कौन सा भी आपका फेवरेट वाला ऑयल लेना है उसको अच्छे से आपके हेयर में लगाना है, और दो चार मिनट का अच्छे से सर्कुलर में मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो उस टाइम आपका जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाता है। और ऑयलिंग करने के बाद आपको 10 या 15 मिनट के बाद आपको हेयर वॉश करना है। ऑयलिंग करने के बाद जब आप अपने हेयर को वॉश करते हैं उस टाइम आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता, आपके हेयर बिल्कुल भी नहीं गिरते। नहीं तो वॉशिंग करने के बाद बहुत ज्यादा हेयर गिरते हैं सभी के, मतलब मेरे तो बहुत ज्यादा गिरते हैं। मतलब वॉशिंग हेयर वॉश करने के बाद उस टाइम मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे बाल बहुत ज्यादा वीक होते हैं। बट ऑयलिंग करने से उनका न्यूट्रिशन मिल जाता है, सो ऑयल आपके हेयर को जो टाइट पकड़ के रहता है, सो आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो टिप्स है आप जरूर फॉलो कीजिए। और जो सेकेंड जो टिप है वो है हमारे हेयर जब हम वॉश करते हैं उस टाइम आपको डायरेक्ट शैम्पू आपके हेयर को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको एक थोड़ा सा वाटर लेना है, आप जग में वाटर लीजिए, उसमें आपको आपका शैम्पू डालना है, आपका फेवरेट शैम्पू डालिए, उसमें थोड़ा सा ही डालना, जितने आपके बालों को जरूरत है शैम्पू की उतना ही शैम्पू आपके उस जग में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसका अच्छे से फोम क्रिएट करना है, उसके बाद आप वो शैम्पू अपने हेयर पे लगाना है। डायरेक्ट शैम्पू बिल्कुल भी नहीं लगाना, ऐसे करने से जो हमारे जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। डायरेक्ट आप जो शैम्पू अपने हेयर को लगाते हो उस टाइम आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। यही एक मौका है उस टाइम हमारे जो बाल है जो वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट शैम्पू अपने हेयर को लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं तो हमेशा वैसे ही करती थी, डायरेक्ट शैम्पू लेते हैं, हेयर को वेट करने के बाद मैं डायरेक्ट अपना शैम्पू लगाती थी बालों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने से आपका जो फॉल है वो ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ ये शैम्पू ट्राई कर लिया, ये कंडीशनर ट्राई कर लिया, ये होममेड थेरेपी लगाई है बालों पे, पर जो हमारे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इससे आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो इसे आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। डायरेक्ट शैम्पू आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और उसके बाद हेयर वॉश होने के बाद आपके जो हेयर नेचुरल ड्राई होने देना है, नहीं तो आप हीट अप्लायंस हेयर ड्रायर लगाओगे उस टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पता है इसको टाइम लगता है आपके बालों को सूखने के लिए, बट आप ज्यादा हीट करोगे आपके बालों को तो आपके बाल हमेशा डैमेज ही होते रहेंगे, क्योंकि हमने गीले बालों पे हेयर ड्राई लगा तो उस टाइम आपके बाल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और वीक बालों पे आपने हीटिंग किया तो और वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल हो जाता है। तो आपको बालों को नेचुरली ड्राई होने देना है, और नेचुरली ड्राई हो जाते हैं ना तो वो अपने आप स्ट्रांग बनने लगते हैं। और ये जो लास्ट की जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें आपका जो हेयर का पूरा न्यूट्रिशन डिपेंड रहता है। उस पर आपको क्या करना है, आपको वीक में आपको एक या दो बार आपको हेयर मास्क लगाना है होममेड वाला। मैं ये लेती हूँ, कर्ड लेती हूँ, एलोवेरा जेल लेती हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसको मिक्स करके अपने हेयर को लगाना है। ऐसा वीक में भी नहीं, अपने मंथ में भी एक दो बार किया ना वो भी सफिशिएंट रहेगा। उस टाइम आपको हेयर मास्क में जो अपने लगाए हैं इंग्रेडिएंट उससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, और जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मतलब काफी हद तक मतलब पूरा ही कंप्लीट बंद हो जाएगा, क्योंकि हेयर को अच्छा वाला उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो गिरेंगे क्यों भाई। इस तरह आपको सिंपल वाला होममेड वाला हेयर मास्क लगाना है। वीक में आपने एक बार लगाया तो मंथ में दो बार लगाया फिर भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक या दो बार तो मंथ में जरूर लगाइए, तभी आपका जो हेयर फॉल है वो काफी
हद तक कम हो जाएगा। और ऐसा हेयर मास्क करने के बाद आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा मैनेजेबल रहेंगे, फ्रीजी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये जो टिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको आपको डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करने हैं। ऐसा करने से जो भी आपके हेयर रिलेटेड इशू है वो सॉल्व हो जाएंगे, आपके बाल हमेशा हेल्दी और मैनेजेबल रहेंगे, क्योंकि मेरे बाल तो फ्रीजी है। तो ये सारे टिप्स है मैं खुद फॉलो करने, तभी मेरे जो बाल वो मैनेजेबल रह जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।